नमस्कार किसान साथियों बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की फाइनल भाव और फाइनल अपडेट की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तेजी का जो माहौल है वो बरकरार देखने को मिला हुआ है तो फाइनल भाव में कैसा माहौल आज पूरे दिन में कितनी अपडेट रिपोर्ट देखने को मिली हुई है तो इंदौर मंडी की हर एक सटीक जानकारी और सारी जानकारी जानने के लिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अनुरोध है आपसे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अन्य वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जरूर पहुंच सके तो चलिए किसान मित्रों के साथ देखने को मिली हुई है किसान तो, तो साठ से लेकर पैंसठ हजार के बीच में देखने को मिली हुई थी और नीलामी रिपोर्ट की अगर बात करें तो सुपर वाला जो प्याज है ये पैंतीस सौ रुपए से लेकर चार हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है आज के दिन इंदौर मंडी में किसान भाइयों इंदौर मंडी के अगर एवरेज माल के प्याज की बात करें तो अट्ठाईस mm. से लेकर चौतीस रुपए रुपये प्रत्येक क्वाइंटल के हिसाब से बिकता हुआ नजर आया है और गोल्टा प्याज की अगर बात करें तो बाईस रुपए से लेकर सत्ताईस रुपए रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से बिकता हुआ नजर आया है किसान साथियों अगर छोटे वाले प्याज की बात करें तो किसान साथियों पंद्रह रुपए से लेकर बाईस रुपए रुपये प्रत्येक क्वाइंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है और ख़राब मिक्स गड्ढ प्याज की अगर बात करें तो तीन रुपए से लेकर चौदह रुपए रुपये प्रत्येक क्वाइंटल के हिसाब से बिका हुआ है आज के दिन इंदौर मंडी में किसान भाइयों कल के अपेक्षा आज हल्की सी चार पाँच सौ रुपये की जो नरमी है वो इंदौर मंडी में देखने को मिली हुई है लेकिन हाईएस्ट चार हज़ार रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से जो भाव हैं देखने को मिले हुए हैं